हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ए फिन। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आमतौर पर क्रेडिट कार्ड पाने के लिए कब इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि बिना इनकम प्रूफ के कब क्रेडिट कार्ड मिल पाता है, और किन लोगों को बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिल पाता है, मतलब कि कब जो है किन लोगों को कैसे जो है क्रेडिट कार्ड बिना इनकम प्रूफ के मिल पाता है, इस पर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जब बैंक को ये श्योरिटी हो जाती है कि आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब किसी के पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम अगर है और बैंक को ये श्योरिटी हो जाती है, बैंक ये वेरीफाई करने में कामयाब हो जाता है, तो ऐसे में बैंक बिना किसी इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है। बल्कि बैंक जो है बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड काफ़ी सारे लोगों को इशू करता भी है, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देखने वाले होंगे जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स होंगे, और वो भी ऐसे काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स होंगे जो बिना किसी इनकम प्रूफ के मिले होंगे। तो अगर आपको भी, आप में से किसी को भी बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि बाकी सारे लोगों को भी यकीन हो सके। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बैंकिंग का कोई जनरल रूल नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा रूल होता है, बल्कि मैं आप लोगों को एक तरह से टिप्स दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के लिए कि आपको क्रेडिट कार्ड कैसे लेना है, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए है, कब क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है। तो इन सब के बारे में वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो ये वीडियो भी उनमें से एक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, लेकिन कोई रूल मान करके मत देखिएगा कि ऐसा रूल होता है बैंक का। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक सलाह भी अपनी देना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को या फिर आपके साथ जो भी होता है तो उस इंसिडेंट को जनरलाइज ना किया करें। मतलब कि अगर आपको बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड नहीं मिला या फिर नहीं मिल पा रहा है, तो आप प्लीज़ ये मत मान लिया करें कि किसी को भी, पूरी दुनिया में किसी को भी बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिलता ही नहीं है। या फिर अगर आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिल गया, तो आप ये ना मान लिया करें कि दुनिया में जितने लोगों के पास भी क्रेडिट कार्ड है या फिर जितने लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलता है, सबको बिना किसी इनकम प्रूफ के ही क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो इस परसेप्शन को हमें जो है ख़त्म करना होगा। ये जो जनरलाइजेशन होता है कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, हम कुछ जो फेस करते हैं तो उसको जो है जनरलाइज कर देते हैं कि ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं होता है। और एक्सेप्शंस हर जगह पे मौजूद होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि इफ़ एंड बट कभी कभी को लागू हो जाते हैं रूल्स में भी। तो एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे 10 लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, तो हो सकता है कि 8 लोगों से इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट लिया जाए और 2 लोगों को एक्सेप्शन दे दिया जाए और बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड उनको मिल जाए। तो एक्सेप्शन इसी को कहते हैं। तो अब आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और ये समझते हैं कि बैंक इसकी कैसे पुष्टि कर पाता है, कैसे वेरीफाई कर पाता है कि किसी के पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है या फिर नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के ज़रिए। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन होती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। तो क्रेडिट हिस्ट्री को समझने से पहले क्रेडिट का मतलब आप समझ लीजिए। तो क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड या फिर लोन। क्रेडिट्स जो है 2 तरह के होते हैं, एक तो लोन होता है और दूसरा क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया, तो कब क्रेडिट कार्ड लिया, कितना टाइम पुराना आपका क्रेडिट कार्ड, उसकी कितनी क्रेडिट लिमिट है, आप उसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपका कैसा है, आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं और सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड कौन सा है, और अगर लोन है तो आपके पास कितने लोन्स हैं, कौन कौन टाइप्स के लोन्स हैं, और कितने लोन क्लोज्ड हो गए और कितने चल रहे हैं, और इसी तरह से क्रेडिट कार्ड में भी कि कितने सारे आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड एक्टिव है, कौन सा आपने क्लोज करा दिया है, उसकी एक हिस्ट्री रहती है, उसका ब्यौरा रहता है, और साथ ही साथ पेमेंट का भी कि आप जो है कैसे अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे उसका पेमेंट कर रहे हैं, और आपके लोन के भी EMIs का जो पेमेंट होता है तो उसका भी पेमेंट का रिकॉर्ड होता है। तो इसी को जो है क्रेडिट हिस्ट्री कहा जाता है, जिसमें पूरा ब्यौरा होता है आपके क्रेडिट का, मतलब आपने जो भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड ले रखा हो उसका पूरा ब्यौरा मौजूद होता है। उसको अप्लाई करने से ले करके, मतलब कि क्रेडिट इंक्वायरी से ले करके उसके अप्रूव होने तक, वो मिलने तक, क्रेडिट अकाउंट क्रिएट होने के साथ साथ
और उसके अलावा जो है उसके क्लोज होने तक की हिस्ट्री मौजूद रहती है, और आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका पेमेंट टाइमली हो रहा है, टाइम पे पेमेंट आप कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो या फिर जो है लोन का पेमेंट हो, वो टाइम पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसी की पूरी एक जो है हिस्ट्री रहती है, तो उसी को क्रेडिट हिस्ट्री कहा जाता है। और इसी के बेस पे, मतलब इसी को आधार मानते हुए और कुछ पैरामीटर्स बनाए जाते हैं जिनके ज़रिए से आपका क्रेडिट स्कोर तय होता है, आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है, आपका सिविल स्कोर जनरेट होता है, बनाया जाता है। और इसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स भी होती हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी कितनी इनकम है या फिर आपकी कितनी सैलरी है, तो ये सारी डिटेल्स भी मौजूद होती हैं आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में। आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ मौजूद होता है आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के अंदर, इवन आपके बिजनेस का एड्रेस, आपके ऑफिस का एड्रेस, ये सब कुछ रहता है। तो बैंक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से जो कस्टमर है, जो एप्लीकेंट है, उसकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी पता लगा लेता है। तो उसके लिए बैंक कस्टमर की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन या फिर आप कहिए क्रेडिट रिपोर्ट एक तरह से खंगालता है। आजकल तो ये सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है, बैंक का सिस्टम जो है वो ऑनलाइन ही चेक कर लेता है कि जो कस्टमर है, जो एप्लीकेंट है, मतलब जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा हो या फिर लोन अप्लाई कर रहा हो, उसके पास जो है क्या रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। तो बैंक आजकल कस्टमर या फिर आप कह लीजिए एप्लीकेंट की क्रेडिट रिपोर्ट या फिर आप उसको कहिए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के जरिए से रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पता लगा पाता है। तो अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए कि बैंक कैसे कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल की मदद से या फिर क्रेडिट रिपोर्ट की मदद से या फिर क्रेडिट हिस्ट्री के जरिए से कस्टमर की रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम को वेरीफाई कर पाता है, तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि अगर किसी कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल पहले से मौजूद हो, क्रेडिट रिपोर्ट पहले से किसी कस्टमर की मौजूद हो, क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप हो, तो इसका मतलब यही होता है कि कस्टमर ने पहले से क्रेडिट कार्ड ले रखा है या फिर पहले से लोन ले रखा है, तभी तो क्रेडिट रिपोर्ट जो है तैयार हुई या फिर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन तैयार हुई या फिर क्रेडिट प्रोफाइल बनी, या फिर आप ये कह लीजिए कि क्रेडिट स्कोर तभी तो जनरेट हुआ, सिविल स्कोर तभी तो जनरेट हुआ जब कस्टमर ने पहले से क्रेडिट कार्ड ले रखा है या फिर लोन ले रखा है। तो जो कस्टमर ने पहले से क्रेडिट कार्ड ले रखा हो, चाहे तो एक क्रेडिट कार्ड हो या फिर कई क्रेडिट कार्ड्स हो, या फिर लोन ले रखा हो, आप चाहे तो एक लोन हो या फिर कई सारे लोन्स हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस बैंक ने या फिर जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्रेडिट कार्ड दिया हो कस्टमर को, या फिर क्रेडिट कार्ड्स दिए हों अलग अलग बैंकों ने, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, या फिर लोन दिया हो या फिर लोन्स मिले हों कस्टमर को, तो वो किसी न किसी बेस पे, किसी न किसी इनकम की बेस पे ही तो मिले होंगे कस्टमर को। तो वो क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड्स या लोन या फिर लोन्स कस्टमर को किसी न किसी इनकम की बेस पे ही तो मिले होंगे। कस्टमर ने अपनी इनकम को प्रूव किया होगा, साबित किया होगा, तभी तो किसी बैंक ने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड दिया होगा, या फिर अलग अलग बैंकों ने क्रेडिट कार्ड्स दिए होंगे, या फिर किसी बैंक ने लोन दिया होगा या फिर लोन्स दिए होंगे अलग अलग बैंकों ने। तो इसका मतलब तो यही होता है कि पहले कस्टमर ने अपनी इनकम को प्रूव किया है, अपनी इनकम को साबित किया है, अपने रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम को भी साबित किया हुआ है पहले से, तभी जो है बैंक से क्रेडिट कार्ड मिला है कस्टमर को या फिर लोन मिला है कस्टमर को, और उसी की बदौलत फिर क्रेडिट प्रोफाइल बनी है, क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप हुई है, या फिर आपका ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है और फिर सिविल स्कोर बना है, क्रेडिट स्कोर बना है। तो फिर जब कोई दूसरा बैंक या फिर तीसरा बैंक या फिर चौथा बैंक या पांचवा बैंक या फिर आप जितने भी बैंक्स ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड देने के लिए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कस्टमर की चेक करता है, क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है, और बैंक को ये पता लगता है कि कस्टमर के पास पहले से क्रेडिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर लोन है या फिर लोन्स हैं, तो ऐसे में बैंक को ये संतुष्टि हो जाती है कि कस्टमर के पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है, तभी तो कस्टमर को पहले से क्रेडिट कार्ड मिल रखा है या फिर क्रेडिट कार्ड्स मिल रखे हैं या फिर लोन मिल रखा है या फिर लोन्स मिल रखे हैं, और फिर बैंक कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल के ज़रिए से, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पता लगा लेता है, जिसकी बदौलत पहले से ही कस्टमर को क्रेडिट कार्ड्स मिल रखे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड मिल रखा है या फिर लोन मिल रखा है या फिर लोन्स मिल रखे हैं। तो ऐसे में बैंक जो है बिना किसी इनकम प्रूफ के कस्टमर को क्रेडिट कार्ड दे देता है, कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है इस भरोसे कि उसको पहले से ही दूसरे बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, उसको पहले से ही क्रेडिट कार्ड मिल रखा है। तो इसका मतलब यही होता है कि उसके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, तभी तो दूसरे बैंक से उसको क्रेडिट कार्ड मिल रखा है, तभी तो उसको दूसरे बैंक से या फिर लोन मिल रखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, क्रेडिट हिस्ट्री खंगाली जाती है, उसमें पेमेंट्स वगैरह भी देखे जाते हैं कि पेमेंट्स जो है
टाइम पे कस्टमर कर रहा है या फिर नहीं, डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा है, क्रेडिट स्कोर कैसा है कस्टमर का, क्रेडिट स्कोर अच्छा है या फिर नहीं, या फिर आप उसको कह लीजिए सिबिल स्कोर कैसा है कस्टमर का, सिबिल स्कोर अच्छा है या फिर नहीं। अब जाहिर सी बात है कि क्रेडिट स्कोर का अच्छा होना या फिर सिबिल स्कोर का अच्छा होना इस बात की गवाही देता है कि कस्टमर अपने क्रेडिट्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, मतलब अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, उसका पेमेंट टाइम पे कर रहा है, इसके अलावा लोन है तो लोन का भी जो ईएमआई है उसका टाइम पे पेमेंट कर रहा है कस्टमर, और बहुत अच्छे से अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन किए हुए है। तो यही समझा जाता है कि फिर जो है कस्टमर एक अच्छा कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है, कस्टमर डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट टाइम पे कर रहा है, अपने लोन की ईएमआईज का पेमेंट टाइम पे कर रहा है। तो बैंक ये सब कुछ देखते हुए कस्टमर को बिना किसी इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड पाने के लिए कब इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर कब बैंक इनकम प्रूफ नहीं मांगता है क्रेडिट कार्ड देने के लिए, क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, और बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड बैंक इशू कर देता है। अब बात करें कि किन लोगों को क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के मिलता है, किन लोगों को बैंक बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड दे देता है, या फिर किन लोगों को इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है आमतौर पर। तो आमतौर पर ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड पाने के लिए इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिनका सिविल स्कोर कहिए या फिर आप कहिए क्रेडिट स्कोर बहुत स्ट्रांग होता है, 750 प्लस 750 के ऊपर रहता है, जिनके पास काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या फिर दो चार क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं, और वो क्रेडिट कार्ड्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद टाइम पे बिल का पेमेंट करते हैं, इसके अलावा अगर लोन है तो लोन की ईएमआईस का पेमेंट एकदम टाइम पे करते हैं जिससे कि क्रेडिट स्कोर ख़राब ना हो, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिससे क्रेडिट स्कोर ख़राब हो। तो जो कस्टमर अपने क्रेडिट स्कोर को, अपने सिविल स्कोर को मेंटेन करके रखते हैं तो उनको अच्छे से आराम से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और बिना इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। काफ़ी सारे लोगों को बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है और कैसे मिला, उसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है ऐसे लोगों के जिनको बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, और कुछ लोगों को तो क्रेडिट कार्ड्स मिले हुए हैं, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स मिले हुए हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के। तो जब किसी कस्टमर के पास एक क्रेडिट कार्ड आ जाता है और उस क्रेडिट कार्ड को कस्टमर अच्छे से इस्तेमाल करता है और अपने सिबिल स्कोर को, अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करके रखता है, ख़राब नहीं होने देता है, तो उसके बाद उस कस्टमर के दूसरे क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्रेडिट कार्ड जब वो कस्टमर अप्लाई करता है तो वो जो है क्रेडिट कार्ड मिलने का उसको चांस ज़्यादा रहता है, और इस तरह से एक के बाद जब दूसरा क्रेडिट कार्ड मिलता है, फिर तीसरा क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है, फिर बाकी क्रेडिट कार्ड्स मिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, और फिर ज़्यादा जो है इनकम प्रूफ का झमेला नहीं रहता है। जब आपके पास एक के बाद दूसरा क्रेडिट कार्ड आ जाए और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आ जाए आपके पास खासकर, तो तब आपको इनकम प्रूफ समझ लीजिए कि कम ही देने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बैंक्स होते हैं जो इनकम प्रूफ मांगते हैं, और ख़ास करके ऐसे बैंक्स जो बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हों, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया या फिर HSBC हो गया या फिर कुछ ऐसे सरकारी बैंक हो गए, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह के सरकारी बैंक्स हो गए जो इनकम प्रूफ मांगते हैं। लेकिन आमतौर पर यही देखा जाता है कि जिन कस्टमर्स के पास एक के बाद दूसरा क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो फिर उनको क्रेडिट कार्ड मिलने में परेशानी नहीं आती, आगे चल करके उनको और भी क्रेडिट कार्ड्स मिलते रहते हैं और बाकायदा उनको बैंक से ऑफ़र्स आते रहते हैं, बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र मिल जाता है और ऑफ़र्स मिलते रहते हैं। तो एक टाइम के बाद जो है खुद ही बैंक ऑफ़र करता है बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड, और अप्लाई करने पर भी इनकम प्रूफ की ज़रूरत ऐसे कस्टमर्स को नहीं होती है जिनका सिबिल स्कोर पहले से स्ट्रांग हो, पहले से क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हों या फिर लोन्स मौजूद हों या फिर बड़े अमाउंट का लोन मौजूद हो, तो बैंक जो है बिना किसी इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक्सेप्शंस हर जगह पे लागू हो जाते हैं, अपने आप ही एक्सेप्शन आ जाते हैं, कि हो सकता है कि आपके पास काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स हों, हो सकता है कि आपका सिबिल स्कोर बहुत स्ट्रांग हो, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, क्रेडिट कार्ड देने के लिए आपसे इनकम प्रूफ की डिमांड करे, आपसे इनकम प्रूफ मांगे। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का सिविल स्कोर एकदम स्ट्रांग हो जाए और काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स हों पहले से तो बिना किसी इनकम प्रूफ के ही क्रेडिट कार्ड मिलेगा अब उस कस्टमर को, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट जनरली यही देखा जाता है कि जिन कस्टमर्स के पास पहले से क्रेडिट कार्ड्स हों
और क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर एकदम स्ट्रांग हो तो उनको बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो मेरे वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है जनरली, मतलब आमतौर पर, मैंने ये नहीं बोला है कि बेशक बिल्कुल ऐसे कस्टमर्स को बिना इनकम प्रूफ के ही क्रेडिट कार्ड मिलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे किसी सेंटेंस का गलत मतलब नहीं निकाला जाएगा और उसको सही से समझा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।